ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है फॉर अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं वर्गो आप सबके लिए कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ इस हफ्ते, और बाद में हम करियर की बात कर लेंगे। वर्गो, ओके, इट्स अबाउट न्यू एनर्जी। क्या आप न्यू एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं? कोई रिश्ता है, कोई प्रपोजल है, कोई लव कनेक्शन है, या हो सकता है कि आप स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मनी से रिलेटेड हो सकता है एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू एनर्जी, बट यस, किसी भी वे में रिलेट कर सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, और दोबारा बता रही हूँ, चाहे करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में यू नो स्टेबल होना चाह रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग योर टाइम इन सम टाइम एंड एनर्जी इन समथिंग न्यू। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, बिकॉज हमारे पास ये ब्यूटिफुल एनर्जी, एम्परर एनर्जी उभर के आ रही है विद दैट एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर लव लाइफ की बात करें, यस, यू आर टेकिंग इट अ लिटिल स्लो, बिकॉज जो भी पहले कुछ हुआ, ठीक है, या मन में एक फियर है कि कहीं बिट्रेयल दोबारा ना हो जाए, या हो सकता है कि ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जितना बैड होना था हो चुका है, ठीक है, एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ सोलमेट, गुड कनेक्शन। ये भी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक यू हैव दैट काइंड ऑफ अ लव। ठीक है, तो दो बातें हैं, इधर देर इज समबडी न्यू कोई है, या सोच रहे हैं आप। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट समबडी, मुझे ऐसा लगता है कि यस, चीज़ें थोड़ी सी हॉल्ट पर है यहाँ पर। ठीक है, मे बी हो सकता है एक साइलेंट फेज चल रहा है आप लोगों के बीच में, या हो सकता है कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, और इस पर्सन ने अपने आप को सिचुएशन में से बाहर निकाल लिया था। इनकी इंटेंशंस बुरी नहीं है, यहाँ पे दो स्टोरीज उभर कर आ रही है। इफ इट इज़ अबाउट अ न्यू पर्सन, देन आई थिंक एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी अभी दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन एक मतलब अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कम्प्लीटली, शायद आप भी या ये पर्सन भी, और चाहते वही चीज़ है, चाहते दोनों एक ही चीज़ है, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड इफ़ इट इज़ ओल्ड एनर्जी, देन आई थिंक समबडी हैज़ ऑलरेडी वॉक्ड अवे, ऑलरेडी कोई जा चुका है, एंड कर चुका है। ठीक है, या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, लाइक नो कम्युनिकेशन, साइलेंस मोड चल रहा है, ओनली साइलेंस। अब नेक्स्ट मूव पूछे, देखिए, ऑल ऑफ विद द डेविल कार्ड, मे बी डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न, या कुछ के लिए हो सकता है कि यस, कुछ तो है, अनफिनिश्ड बिजनेस है, या हो सकता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन है, कुछ भी है, ठीक है, वो ऑन ऑफ है। टॉक्सिक इन द सेंस कि पास्ट में कुछ हुआ हो, या आप किसी सिचुएशन में हैं और स्टक हैं, या हो सकता है कि आपके पार्टनर स्टक हैं, ठीक है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो स्टक हैं किसी सिचुएशन में, या वगैरह वगैरह बहुत सारे रीजंस हैं। यस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि कुछ बातें आपको ना पता हो, ठीक है, इनके बारे में, तो वो वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई और भी है लाइफ में, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है। अब अगर फ्यूचर की बात करें, पहली बात तो ये, जगलिंग वाली और रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा, कोई यहाँ पे अटेंशन मांग रहा है, कोई यहाँ पे अटेंशन सीख कर रहा है, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, सॉरी फॉर माय वॉइस, और मेरा भी थ्रोट चक्रा जो है दैट इज़ गेटिंग ब्लॉक्ड। बड़ी सारी रीजंस हो सकते हैं, सो मच एनर्जी, यू नो एनर्जी, इट्स ऑल अराउंड। ओके, हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी कि कोई क्लोज्ड ऑफ है, कोई कम्प्लीटली ना रिफ्यूज़ल दे रहा है, और ना ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, या कोई अटेंशन मांग रहा है, चाहे शादीशुदा लाइफ है आपकी, चाहे मैरिड लाइफ है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पा रही है, या कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को कैसे बचाया जाए,
ठीक है, या रिकन्सिलिएशन वाली, या मान लीजिए आप एफर्ट्स पुट करना चाह रहे हैं या वाइस वर्सा, तो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो टाइम लग सकता है, ठीक है, नई नई सिचुएशंस दिखाई दे रही है, क्लैरिटी भी और जगलिंग भी और बहुत कुछ हो सकता है। विथ टाइम आपको बहुत कुछ बहुत कुछ आपको पता चले इस रिलेशनशिप के बारे में। दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग। ओके, अब हम बात करेंगे करियर की। फॉर ऑल द वर्गो, करियर वाइज ये जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा? ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट बीइंग कंटेंट, हैप्पी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, और ये हफ्ता लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी या कुछ नया करने का है। विद एस ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स, सो मे बी इट्स अबाउट डिफरेंट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या दरवाजे खुल रहे हैं नए। आप एक साइकिल में से बाहर निकल रहे हैं और नया साइकिल, यू नो, लाइक एक्सप्लोर, इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है कि कुछ प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं काम को अपने, या सोच रहे थे कब से, नाउ इट इज़ हियर, ठीक है, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट बेसिकली, सो इट्स ऑल अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, सो ब्यूटिफुल एनर्जी। आई थिंक आपकी विशेज़ जल्दी ही पूरी हो सकती है वर्गो, अगर आप कुछ स्पेसिफिक मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, तो इट सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी, और आई कैन से इट्स अ ग्रेट एनर्जी, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर वर्गो, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है। हमारे पास ऑटोमेटिकली थ्री कार्ड्स, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर गेटिंग रिसेप्टिविटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अलाउ योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ, ये मत सोचिए कि आप की हेल्प कोई और कर सकता है। ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ डिवाइन के साथ, यू नो, और ऑब्वियसली डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है। और जब डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं सो यू डोंट नीड एनीबडी एल्स टू फिक्स यू, ठीक है। आपको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं कि कोई आपको आके फिक्स करे, यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ, तो अपने आप को फिक्स कीजिए। वी हैव दैट फाइव ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी एज वेल, ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से बाहर रहिए। और दूसरा ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, इट इज़ नॉट ईजी पर ज़रूरी है, ठीक है। और रिसेप्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो भी लाइफ आपकी तरफ लेके आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन तो मेक अ लेमोनेड, दैट वो कोट आपने सुना होगा, तो दैट व्हाट आई एम गेटिंग। और हो सकता है यू नेवर नो कि आपकी लाइफ में कितने ब्यूटीफुल चेंजेस आ जाए, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द वर्गो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम।